भले ही प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने के क्यों ना बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हों, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम भले ही घूम घूम कर प्रदेश के अस्पतालों का निरीक्षण करते रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत जस की तस बनी हुई है। इसी बदहाली का एक और नया मामला सामने आया है, जहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर वसूली की जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो उन्नाव का बताया जा रहा है, जिसमें बाबू मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर रुपए वसूलता दिख रहा है। दरअसल इन दिनों बीएड बीटीसी सहित तमाम जगहों पर एडमिशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट छात्रों से मांगे जा रहे हैं, जो सीएमओ कार्यालय से प्रमाणित होकर मिलते हैं। बताया जा रहा है उन्नाव में इसी को आमदनी का साधन बना लिया गया और इसके लिए वसूली होने लगी। उन्नाव के सीएमओ कार्यालय के कमरा नंबर 8 से मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसको मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, पहले वो फॉर्म और एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन को प्रमाणित कराता है और फिर डॉक्टर से चेकअप कराकर उस एप्लीकेशन को कमरा नंबर 8 में जमा करता है, जिसके बाद सीएमओ कार्यालय के बाबू सर्टिफिकेट जारी करते हैं। लेकिन ये व्यवस्था उन्हीं के लिए है जो रुपए खर्च करते हैं, वरना भटकते रहिए, काम तो तभी होगा जब रुपए देंगे। वीडियो में साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट देने के एवज में वहाँ के बाबू पैसे ले रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और अब जाँच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। आप भी देखिए कैसे सीएमओ ऑफिस में चल रहा है रिश्वत का खेल। आज हम भी पॉजिटिव हैं।